आइसोमॉर्फस नेचर, ये आइसोमॉर्फस हम क्या बात करते हैं, पहली चीज इनके बारे में हमें ये कमेंट करना होता है कि ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं या नहीं है। तो पहला पॉइंट जो हम देखते हैं, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने चाहिए, तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या देखोगे, बोथ आर सॉलिड। जो भी आइसोमॉर्फस है, आइसोमॉर्फस का मतलब यही आ रहा है, आइसोमॉर्फस आर सॉलिड। जो भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है वो एक दूसरे के साथ सॉलिड होंगे। थर्ड जो हमारे लिए थर्ड पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, आइसोमॉर्फस चेक करते वक्त कि हमारे पास अगर हाइड्रेटेड है यानी कि क्रिस्टल वाटर है तो उसकी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल्स शुड बी सेम। क्रिस्टल वाटर H2O मॉलिक्यूल शुड बी सेम, फोर्थ आप एनायन को देखते हो, एनायन होगा ऑब्वियसली, लेकिन एनायन का जो आपका यहां पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर एनायन के साथ भी हमें देखना पड़ेगा, यहां पर एनायन हैविंग एनायन ऑफ आइसोमॉर्फस हैविंग सेम शेप। शेप का मतलब आ गया उसके पास जितने लोन पेयर हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तब जाके आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड का आइसोमॉर्फस बोलेंगे, या सुनो। लेकिन फोर्थ पॉइंट, ऐसी कौन सी चीजें जो सेम नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, चार्ज ऑन केटायन और एनायन, और एनायन मे बी डिफरेंट। चार्ज जो है वो कैटायन और एनायन पे डिफरेंट हो चलेगा, बट उनका जो रेशियो है ए बी या बी ए शुड बी सेम, बट बोथ आइसोमॉर्फस आर सेम नंबर ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ, यहां पर हैव सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। इन सब की मदद से आप आइसोमॉर्फस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लिख लीजिए BaSO4 और KMnO4 क्या एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे या नहीं होंगे, पहले क्या दोनों सॉलिड है, हाँ। दूसरा आइसोमॉर्फस आर सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, हाँ। कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ H2O दोनों में 0-0 है, सेम है, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट सेम आ रहा है। एनायन ऑफ आइसोमर्स, जनरली एनायन की बात करते हैं, सेम शेप, यहां सल्फेट पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और कौन सी शेप है, टेट्राहेड्रल। और क्या यहां पर भी सेम वही है, हाँ। तो यहां इसका मतलब दोनों पे सेम हाइब्रिडाइजेशन, दोनों टेट्राहेड्रल है एनायन, बस अंतर ये है कि यहाँ प्लस वन है, यहाँ प्लस टू है और यहाँ माइनस टू है, लेकिन प्लस वन और माइनस वन सेम रेशियो में ए बी टाइप। तो इसका मतलब मुझे केटायन इसमें एक है, इसमें भी एक है, एनायन इसमें एक है, इसमें भी एक है। तो इसने कोई भी रूल ब्रेक किया क्या यहाँ तक, नहीं किया, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। तो इसका मतलब रिजल्ट हमारे लिए क्या रहेगा, रिजल्ट हमारे लिए रहेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड KMnO4 आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर।
ये हमारे पास पॉइंट्स आ गया। सेकंड, हम ले रहे हैं KCl(O4) और KbH4, KCl(O4) और KbO4। आप देखिए क्या यहाँ पर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हाँ, सॉलिड है, हाँ, नंबर ऑफ H2O दोनों में 0-0 है, हाँ, एनायन आइसोमर्स हैव सेम नंबर ऑफ सेम शेप। देखते हैं Cl(O4) कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर भी वही है। आप चाहो तो Cl को देख सकते हो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O-, टेट्राहेड्रल है या नहीं है, है? तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर भी रिजल्ट यही बनेगा, बोथ आर आइसोमर्स आइसोमोर्फस, रिजल्ट बोथ आर आइसोमोर्फस, ये एक दूसरे के आइसोमोर्फस हो जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? थर्ड, एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, FeSO4.7H2 और MgSO4.7H2 दोनों क्रिस्टल हैं, सॉलिड हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और नंबर ऑफ H2O भी सेम है, सल्फेट भी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सारे पॉइंट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी Fe+2 और -2 +2 -2 सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशंस, टेट्राहेड्रल, और यहां पर भी वही है, तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास। थर्ड नंबर का एग्जांपल है FeSO4.7H2O एंड MgSO4.7H2O आर आइसोमोर्फस ऑफ ईच अदर। सही है, क्लियर करो ये कॉन्सेप्ट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्थ नंबर का, मैं ले रहा हूं NaClO3 और एक ले रहा हूं KNO3 +1 -1 +1 -1, सॉलिड है दोनों, बिल्कुल सही है, एनायन कैटायन का रेशियो सेम है, सब कुछ सेम जा रहा है, बस अब स्ट्रक्चर है, इसको देख लो ClO3, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, कैसा है ये sp3 पिरामिडल पिरामिडल, और यहाँ क्या है नाइट्रेट डबल बॉन्ड O O माइनस, बस यही गड़बड़ी हो गई, sp2 प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि शेप इनकी सेम नहीं आ रही है एनायन की, और ये प्लेनर है और ये नॉन प्लेनर है, तो रिजल्ट हमारे लिए क्या रहेगा, रिजल्ट हमारे लिए रहेगा NaClO3 एंड KNO3 आर नॉट आइसोमोर्फस टू ईच अदर। कर लीजिए इसको।